हेलो गाइस, नमस्कार। मैं प्रशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसमें हम आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। और कुछ कमेंट में आप बताइए कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन वही है दोस्तों कि यूरोपियन आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है वह स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये रहा जिनेवा, वह जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है याहू किस देश की एक निगमित निगम एवं वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी है। तो जो याहू है दोस्तों वह एक अमरीका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, अमरीका की जो एक निगमित निगम और इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है, और एक सर्च इंजन भी है याहू। आप इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से परिचित होंगे, जिस तरह गूगल एक सर्च इंजन है उस प्रकार याहू एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। तो दोस्तों, अगर तारे जो है क्षितिज से लंबवत उठेंगे तो वह विषुवत रेखा पे अवस्थित माने जाते हैं, और विषुवत रेखा पे दिन और रात की जो लंबाई होती है, जो दिन और रात का ड्यूरेशन होता है वह बिल्कुल समान होता है, यानी 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात विषुवत रेखा पे होती है। और जो विषुवत रेखा वाले देश हैं वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बिल्कुल नॉर्मल मौसम रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मोहन जोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया। तो जो यह स्तूप था इसका निर्माण किया गया कुषाण काल में, इस स्तूप का निर्माण दोस्तों कुषाण काल में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका उपयोग करते हैं। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, इसमें यूजर्स अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है। ये सभी को बताऊंगा दोस्तों, मुख्यमंत्री जो है वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था। तो सत्याग्रह की शुरुआत इन्होंने चंपारण में की थी, रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पर ये चंपारण गए हुए थे, जो कि जिनसे इनकी मुलाकात लखनऊ के अधिवेशन में हुई थी। और अभी हाल ही में दोस्तों महात्मा गांधी जी का 150वीं जयंती मनाई गई है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो गोंड जनजाति जो है वह मध्य प्रदेश राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है। तो इसका उल्लेख कुल 15 भाषाओं में होता है दोस्तों, और जो नए नए नोट हैं उनके आप जो चित्र हैं उस पर कौन कौन से चित्र अंकित है उसको भी याद कर लेंगे, जैसे 100 के नोट पर रानी की वाव, 2000 के नोट पे मंगलयान इत्यादि, आपको बिल्कुल इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे युवा अध्यक्ष भी यही थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भारतीय जीवन बीमा कंपनी यानी LIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो LIC है उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला जो है डिप्टी गवर्नर कौन बनी। वह बनी के जे उद्देशी हैं, यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर बनी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। तो भारत में हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र किशनगढ़ है, और सबसे बड़ा भारत में जो व्यवसाय माना जाता है वह हैंडलूम का ही व्यवसाय माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी 1947 को, और दोस्तों इस समय भारतीय थल सेना के जो हेड है वो कौन है इसको आपको कमेंट बताना है दोस्तों। और तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और दोस्तों इस समय जो भारतीय जल सेना उसके जो हेड है वह है एडमिरल करमबीर सिंह, और इसका जो भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी यह हुई थी सन 1947 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनिमायक प्राधिकरण कौन सा है। तो यह IRDA है दोस्तों, जो बीमा कंपनियां हैं उनके लिए जो सबसे
बड़ा विनिमायक है वह IR, वह IRDA है दोस्तों। और IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? IRDA जो होता है उसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो इसके इस समय हेड हैं, जो चेयरपर्सन है, उनका नाम इस समय है सुभाष चंद्र कुंतिया। जो सुभाष चंद्र कुंतिया है वह IRDA के हेड है। और IRDA का फुल फॉर्म मैंने आपको एक बार बताया, फिर से बताता हूँ कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो भारत की जो संविधान है उसके प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भारतीय रेल यानी IR इंडियन रेलवे किसका सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो इंडियन रेलवे जो है दोस्तों वह एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जो ट्राई है उसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और दोस्तों ट्राई के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ, इसको आप नोट करिएगा। जो ट्राई है, ट्राई का जो फुल फॉर्म है वो है इंग्लिश में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और इसका जो गठन हुआ था वह 20 फरवरी 1997 को हुआ था। और जो इस समय इसके हेड हैं वह राम सेवक शर्मा हैं, जो कि IAS हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना है वह 1986 में हुई। और सबसे बड़ा भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है वो NW1 है जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में कोयले की खान किस कल्प की है? तो ये गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना कल्प की जो खाने हैं वह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? तो मध्य प्रदेश का प्राचीन काल का सबसे महत्वपूर्ण नगर दशपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी संगठन प्रजा मित्र मंडली के कौन संस्थापक थे? तो ये थे CR रेड्डी, इसके संस्थापक दोस्तों CR रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन जो है, भोपाल में कार्बाइड संयंत्र से इन उत्पादों में से किसका उत्पादन किया जाता था? तो कार्बाइड से दोस्तों कीटनाशकों का उत्पादन किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, कीटनाशक जो उत्पाद होते हैं उसका वहां पे बनाया जाता था उसको। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो स्नेहक के रूप में दोस्तों ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो जो सर्वाधिक बाल श्रमिक भारत में वह आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह यानी विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो उनका नाम है संतोष यादव, अभी हाल ही में उन्होंने यह कारनामा दोहराया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तदाब जो है वह स्फेग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर से यह मापा जाता है। थोड़ा टफ नाम है लेकिन आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। और दोस्तों जो ब्लड प्रेशर होता है वह इंसान के शरीर में कितना होता है? एक जो फिट व्यक्ति है उसके शरीर का जो ब्लड प्रेशर मापक होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो वह होता है 80 से 120, इसको आपको याद रखना है। कहीं कहीं 120 से 80 रहता है दोस्तों, सही यही है, 120/80 ही माना जाता है, तो यही उसका स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सबसे कम उम्र की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति कौन है? तो यह है डिक्की डोलमा। अब आपको दोस्तों यह बताना है कि डिक्की डोलमा जो है वह किस देश के हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन एक बार एक एग्जाम में पूछा गया है और इनको आप सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल इसका आंसर मिलेगा। आप कमेंट करके बताएं डिक्की डोलमा कितने वर्ष की है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है याहू का आविष्कार किसने किया? हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि याहू जो है वो अमेरिका की कंपनी है और यह एक इंटरनेट प्रदाता कंपनी है और एक इसका सर्च इंजन भी अपना बहुत बड़ा है। और याहू का जो आविष्कार था वो डेविड फैली और जेरी यांग ने किया था। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।